रिसेंटली मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बन रही है आईपैड 7 जनरेशन वर्सेस सैमसंग टैब S6 लाइट। मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सेम डे पे री अपलोड किया या अपलोड किया, और इन वीडियोस को देखने के बाद जहां पे मैंने नोटिस किया कि इंडियन टेक यूट्यूब कम्युनिटी का गोल्डन स्टैंडर्ड जिसे माना जाता है वो आईपैड 7 जनरेशन के प्रोसेसर और टैब S6 लाइट के प्रोसेसर को कंपेयर करते वक्त ये बोल रहे थे कि इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो ये बेटर है। मैं समझ गया कि भाई स्पॉन्सर्ड वीडियोस है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्पॉन्सर्ड वीडियोस से, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इसके बारे में सोचा था, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आजकल जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हो गया, बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाने के बारे में सोच रहे हैं या टैब दिलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपनी ऑडियंस इतनी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, पर जितनी भी है उनके बारे में मैं थोड़ा सा केयर करता हूँ और चाहता हूँ कि वो गलत डिसीजन लेके पैसा वेस्ट ना करें। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि आईपैड्स क्यों हमेशा बेटर है, स्पेशली 2020 में आपको एंड्रॉयड टैबलेट्स क्यों नहीं लेना चाहिए, काफ़ी सारे रीज़न बताऊंगा। इस वीडियो में सारे जो बी रोल्स है ये मैंने अपने आईपैड एयर पे शूट किया है, जो एयर को यूज़ करके शूट किया है। ये 7 साल पुराना है, मतलब 2013 में रिलीज़ हुआ था और अभी 2020 है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शुरू करते हैं। Apple different needs और different price range के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा option देता है। जैसे अगर आप एक professional बंदे हो, heavy software आपको use करना है, काफ़ी ज़्यादा multitasking करना है, तो आपको iPad Pro देखने को मिल जाएगा जो 71,000 रुपीज़ से शुरू होता है। अगर आपको एक thin and lightweight iPad चाहिए, काफ़ी ज़्यादा thin चाहिए मतलब, और latest internals भी चाहिए, तो आपको iPad Air देखने को मिल जाएगा जो 45,000 रुपीज़ से शुरू होता है। और अगर आप 2-3 साल पुराने प्रोसेसर से ओके हो और आपका बजट थोड़ा सा कम है तो iPad देखने को मिल जाएगा जो आपको 29,900 या 25,000 रुपीज़ से भी शुरू होता है ऑफर्स के टाइम पे। और अगर आपको मिनी साइज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा छोटा iPad चाहिए पर लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन इंटरनल्स चाहिए, तो आपको iPad मिनी देखने को मिल जाएगा जो 35,000 रुपीज़ से शुरू होता है। सेम चीज़ अगर आप एंड्रॉयड साइड में देखना चाहेंगे तो 2020 में तो स्पेशली निल ऑप्शन है या जीरो ऑप्शन में बता सकता हूँ। फ्लिपकार्ट या अमेजोन अगर आप ओपन करते हो तो काफ़ी सारे टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो लेनोवो के पुराने पुराने टैबलेट्स है या हॉनर के पुराने टैबलेट्स या काफ़ी जेनेरिक टैबलेट्स भी आपको देखने को मिलता है। बस एक ही कंपनी मेरे हिसाब से अभी बना रही है, वो है सैमसंग, और उनका टैब S6 लाइट वगैरह आता है। उसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता एक रेप्यूटेड ब्रांड से या लेटेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता आपको। सेकेंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर। अगर मैं एंड्रॉयड टैबलेट्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको सेम एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है या सेम एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाता है जो स्मार्टफोन्स में मिल रहा है। जैसे अगर करंट सिनेरियो के बारे में बात करूं तो सारे स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, तो आपको जो टैबलेट्स है वो भी एंड्रॉयड 10 पे चलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऐड किया जाता है टैबलेट्स में जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है टैबलेट में, ताकि आप इसका जो एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस मिल रहा है उसे यूज़ कर सको, या कुछ टैबलेट स्पेसिफिक फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि चलो 10 इंचेस का एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, बस जो आप 6.4 इंचेस के टैबलेट में कर सकते हो या फोन में कर सकते हो वही चीज़ आप एक टैबलेट में भी कर पाओगे। कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स नहीं ऐड किया जाता है। iPads में ऐसा नहीं होता, iPhone में आपको iOS देखने को मिलता है एंड iPad में iPad OS देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट है या 100% डिफरेंट है, पर काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फीचर आपको iPad OS में देखने को मिल जाता है, ताकि आप वो जो एक्स्ट्रा स्क्रीन रियल एस्टेट है, जो बड़ी स्क्रीन है, उसको पूरी तरीके से यूज़ कर पाओ या एडवांटेज ले पाओ। चाहे वो ऐप स्विचिंग हो गया, स्क्रोलिंग हो गया, या नोटिफिकेशन हो गया, या मल्टीटास्किंग हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट वे में ऑपरेट करता है iPad OS में, ताकि आप पूरे यूज़ कर पाओ, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एनहांस हो जाए। और अगर आप ऐप्स का लेआउट भी देखोगे या जिस तरीके से वो ओपन होता है या जो लेआउट होता है या एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है iPad OS में, अगर आप iPhone से कंपेयर करोगे ना तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा सेम ऐप में। चाहे वो आप YouTube खोल लो iPhone में या iPad में, आपको कंप्लीट डिफरेंस देखने को मिलेगा, बड़ी स्क्रीन का अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी या लाइफ स्पैन। ऐसा तो नहीं कि जब आप टैबलेट लेते हो हर 2 साल बाद अपग्रेड करोगे, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है और लाइफ स्पैन है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो 7 साल पुराना टैबलेट है इट हैज़ हेल्ड प्रिटी वेल। जैसे ही आया था iOS 7 के साथ और आज ये चल रहा है iOS 12.7 पे, आप ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकते एंड्रॉयड टैबलेट्स में, इतना तक कि एंड्रॉयड फोन्स में भी, फ्लैगशिप फोन से ले लो, उसमें भी बहुत 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 रेयरली आपको इतने साल का अपडेट्स देखने को मिलेगा। इसका जो एल्यूमिनियम बॉडी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एज हुआ है। मैं बता सकता हूँ कि पीछे की तरफ तो काफ़ी माइनर स्क्रैचेस देखने को मिला है, और साइड में जो शैम्फर्ड है जैसे उसमें थोड़ा सा डेंट वगैरह हो गया, क्योंकि मैं बैक कवर वगैरह यूज़ नहीं करता, इतना तक कि मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं यूज़ किया है, और इस वजह से थोड़ा सा स्क्रीन में भी माइनर स्क्रैचेस देखने को मिलता है। पर जिस पे भी दिमाग है या कॉमन सेंस है वो ऑफकोर्स टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करेगा।
सात साल पुराना होने के बाद भी जो डे टू डे यूसेज है उसमें मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से सर्व करता है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए हो गया या फिर अमेजोन हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, थोड़ा सा नोट्स लिखने के लिए, कभी कभी लैपटॉप पे चार्ज नहीं रहता तो मैं ब्राउजिंग कर लेता हूँ, कुछ रिसर्च करना है वीडियोज़ के लिए, वो सब ईजिली हैंडल कर लेता है और 7 ईयर ओल्ड है तो इट हैज़ हेल्ड प्रीटी वेल। ओके, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के बातें कर ली, अभी मैं डायरेक्टली बात करना चाहूँगा। वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि आपको इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और टैब S6 लाइट में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वैसे भी हमें यह नंबर सुन के अच्छा लगता है। एक बात बता देता हूँ, iPhone 11 Pro Max उसमें आपको सिर्फ हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है, और जो भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है चाहे वो आप 7000 का ले लो सभी में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। तो ये जो नंबर से वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, जब भी आप एक टैबलेट लेते हो आपको उसे यूज़ करना होता है लगभग 2-3-4-5 साल यूज़ करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बंदा 2 साल में अपग्रेड करता है 3 साल में। हम स्मार्टफोन को 2 या 3 साल में अपग्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ लेटेस्ट फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आज का ट्रेंड अगर मान लो पॉपअप चल रहा है, पॉपअप मैकेनिज्म चल रहा है, तो कल हो सकता है कि बेजललेस फीचर आ जाए, उसके बाद 64 मेगापिक्सल आ जाए, उसके नेक्स्ट साल 108 मेगापिक्सल आ जाए। पर टैबलेट्स में ऐसा नहीं होता, बेसिक फीचर आपको देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए एंड सॉफ्टवेयर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये टाइम लगता है, हो सकता है कि आज आप टैबलेट ले रहे हो वो बिल्कुल 5 साल बाद भी आप कंपेयर कर सकते हो, जो भी चीज़ इसमें कर सकते हो वो उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई 2-2 साल में अपग्रेड नहीं करता है। और अगर मैं टैब S6 लाइट के बारे में बात करूँ तो उसमें आपको Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सेम प्रोसेसर जो आपको सैमसंग M21S, सैमसंग M21, सैमसंग M31, सैमसंग M31S इन सब स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोसेसर है ये व्हाट्सएप तक को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है। मेरे ऐसे दोस्तों जो कंप्लेन कर रहे हैं कि 6 महीने के यूसेज के बाद भाई व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, यूट्यूब सही से नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आपको लगता है कि टैब को पावर कर पाएगा 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जब आपको यूसेज करना है, जैसे अगर आपको पावर पॉइंट वगैरह एडिट करना है या जो भी काम है मल्टीटास्किंग, जो प्रोडक्टिविटी का काम टैबलेट पे किया जाता है, वो आपको लगता है कि हैंडल करेगा इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूँ A10 फ्यूजन के बारे में तो उसका जो एंटूटू स्कोर आता है वो 2,50,000 के आसपास आता है और 9611 का 1,50,000 के आसपास आता है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जो रियलमी C3 में आपको G70 देखने को मिलता है ना, उसमें 1,90,000 का एंटूटू स्कोर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि यार वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड प्रोसेसर है, और कंसिडरिंग आप एक टैबलेट खरीदते हो उसे 2 या 3-4 साल यूज़ करते हो, वो बिल्कुल कोप अप नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर साल अपग्रेड करने वाले हो, आपको 4 साल यूज़ करना है, उसके लिए iPads बेटर होता है। सेम वीडियो में बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बताया जा रहा था कि iPad का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हॉलो फील होता है। मैं सामने सामने प्रूफ लेके खड़ा हूँ यार, ठीक है, 7 साल से मैंने यूसेज किया है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया मैंने। ये वैसे भी फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद मैंने इसका जो 7th जनरेशन है वो भी यूज़ किया है, 6th जनरेशन वाला iPad है वो भी यूज़ किया, मेरे को बिल्ड क्वालिटी में हल्का सा भी, मतलब हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला। इतना था कि उस वीडियो में स्क्रीन को एक एक्स्ट्रा फीचर जैसा दिखाया जा रहा है कि आपको सैमसंग में स्क्रीन देखने को मिल जाता है, यार iPad में भी स्क्रीन देखने को मिल जाता है। आप इंटरनल ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या बिल्कुल म्यूट पे करना है वैसे भी कर सकते हो। तो सारी फीचर्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। एंड 6th जनरेशन या 7th जनरेशन iPad में आप कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड के लिए डॉक आता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रहता है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ टैब S6 लाइट में, अगर आपको वो करना है तो ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो वो जो सीमलेसनेस है वो आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये जो वर्ड सीमलेसनेस है ना, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन करता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप एक iPad लोगे तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, किसी चीज़ में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार एक बड़ा सा फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो भी चीज़ है वो इट जस्ट वर्क्स, जैसा एप्पल कहता है इट जस्ट वर्क्स। एंड एक और मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा, बहुत लोगों को लगता है कि एप्पल स्टोर है उसमें सारी ऐप्स पेड होती है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन बनाया जाता है, यूट्यूबर्स कहते हैं कि किडनी हमने बेच दिया, ऐप स्टोर में सारी ऐप्स पेड है। बिल्कुल भी नहीं, मैं डेटा दिखाता हूँ जहाँ पे एंड्रॉयड में आपको लगभग 96% के आसपास फ्री ऐप रहता है, 3.6% के आसपास पेड ऐप है, और ऐप स्टोर में 92% फ्री ऐप्स है, 8% पेड ऐप है। तो ऐसा जो ज़मीन आसमान का डिफरेंस बताया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं है, जो आपका नॉर्मल यूसेज वाला ऐप्स है वो सभी फ्री रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फीचर वाली ऐप होती है जिसमें डेवलपर ने काफ़ी मेहनत किया होता है वो पेड होता है, एंड ऑफकोर्स इट्स लेजिट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता वैसे पेड ऐप्स में। एंड फाइनली उन वीडियोज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइसिंग डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं बता देता हूँ, टैब S6 लाइट आपको 64GB 32,000 रुपीज़ में मिलता है, एंड 128GB का iPad 7th जनरेशन आपको 37,000 रुपीज़ के आसपास मिलता है। एंड स्पेशली अभी Amazon का ऑफर आने वाला है, Flipkart का ऑफर आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें आपको और भी अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है
कि यार एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपको 2,000 या 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना है एंड आपको 5 साल चलेगा, या फिर सैमसंग टैब S6 लाइट लेना है 9611 प्रोसेसर के साथ, जो स्मार्टफोन्स में भी व्हाट्सएप सही से हैंडल नहीं कर पाता है, गेमिंग तो छोड़ ही दो, व्हाट्सएप वगैरह हैंडल नहीं कर पाता है, और फिर आपको पछताना है, हर साल एक नया टैब लेना है, तो ये आपका डिसीजन रहेगा। अगर आपको बुरा लगा कि मैंने बिल्कुल डायरेक्टली बोल दिया, किसी ऐसे यूट्यूबर का हमने नाम नहीं लिया, अगर आपको लगता है कि मैंने डायरेक्टली बोल दिया और मैंने गलत किया, तो माफ़ कर दो, उन्हें कंपनीज ने स्पॉन्सर किया है, तो उन्होंने वैसे बताया मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर स्पॉन्सर करते हैं, तो मेरे को उनके बारे में ख्याल है और उनको बताना मेरा फर्ज है, तो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, और अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।